हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन की लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत जल्द अब हरियाणा के अंदर एग्जाम का सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसमें हरियाणा पुलिस क्लर्क, ग्रुप डी, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, पटवारी, इन सभी के आपके एग्जाम होने हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं जैसे बार बार बोलता था कि हमारे चैनल पर अब जीके की क्लासेस भी शुरू होंगी, तो इंडिया जीके की कभी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। तो आज ये जो वीडियो हमारी रहने वाली है, ये वीडियो हरियाणा जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की जीके रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करती है? यमुना नदी आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच जो है ये एक सीमा का काम करती है। चौथा क्वेश्चन है कि हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये यमुनानगर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ पर लगता है? हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर लगता है। ये हर साल 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में लगता है। अगला क्वेश्चन है, अभी गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए? ये पलवल से गिरफ्तार हुए। देखिए, गांधी जी हरियाणा में दो जगह से गिरफ्तार किए गए, सबसे पहले पलवल, उसके बाद हिसार। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आए, आपको इसका जो आंसर है वो उसी प्रकार से देना है। तो हरियाणा का कौन सा नगर है काशी के नाम से जाना जाता है? भिवानी को जो है काशी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें छोटी काशी, तो कैथल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी जो है हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध? मोरनी हिल्स, पंचकूला। तो यहाँ पर करो नाम की चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है हरियाणा के मोरनी हिल्स की। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्षेत्र बनाया था? हिसार को। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हिसार में है, वो गांधी जी यहाँ से गिरफ्तार हुए थे। हरियाणा की पीतल नगरी रेवाड़ी को हरियाणा की पीतल नगरी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से पाए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार HSSC ने अपनी पिछली परीक्षाओं में पूछे हैं। कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? पानीपत। इसको आप हैंडीक्राफ्ट भी कह सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट सिटी इन हरियाणा, पानीपत। यहाँ पर तीन प्रसिद्ध पानीपत की लड़ाइयाँ भी हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 1526, 1556 और 1761। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तीन बार, 1967 और आपका 1977 और 1991। एक नंबर 1966 को हरियाणा बना और राष्ट्रपति शासन 1967 को पहली बार लगा, दूसरी बार 1977 को लगा और तीसरी बार 1991 को लगा। देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य हरियाणा, और जो फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ट्रैक्टर उत्पादन किया जाता है। किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू किया गया? मुगलावली, यमुनानगर के अंदर जो सरस्वती नदी का जो खुदाई का कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी के अंदर राज्य में घंटेश्वर मंदिर स्थित है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन से जिले में स्थित है? हिसार के अंदर स्थित है। और NDRI की मैं बात करूं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1955 में करनाल के अंदर हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर महाभारत का युद्ध भी हुआ था, जो 18 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा का ये क्षेत्रफल है। कुंभी उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है प्रथम? अगर मैं हरियाणा में किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो सोनीपत जिला प्रथम स्थान पर है। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला झज्जर जिले के जहाजगढ़ में लगता है। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया? थारी पेंशन, थारे पास। हिंदुस्तान मशीन टूल SMT कहाँ पर स्थित है? पंचकूला जिले में स्थित है, पहले ही अम्बाला के अंतर्गत आती थी। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल NCR के अंतर्गत आता? तो 57% जिला। और टोटल जिले कितने आते? 13 जिले हरियाणा के NCR के अंतर्गत आते हैं।
हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से बंसीलाल को जाना जाता है। इनको विकास पुरुष भी जो है, हरियाणा का विकास पुरुष के नाम से भी बंसीलाल को जाना जाता है। इन्होंने हरियाणा का विकास करके बंसी बजाई थी, ये शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? ये रेवाड़ी का रहने वाला था। हरियाणा के किस जिले से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? गुड़गांव जिले से सर्वाधिक राजस्व हरियाणा को प्राप्त होता है। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद के अंदर ये स्थित है। भिवानी और सोनीपत जिला, देखिए 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो यहाँ पर 7 जिले थे। उसके बाद 6 साल बाद 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत 2 नए जिले अस्तित्व में आए। कुरुक्षेत्र जिला उसके 1 साल बाद 23 जनवरी 1973 को अस्तित्व में आया। सिरसा जिला 26 अगस्त 1975 को आया। फरीदाबाद जिला 2 अगस्त 1979 को बना। पानीपत 1 नवंबर 1987 को बना। मेवात 4 अप्रैल 2005 को बना। और लास्ट में जो हरियाणा का जिला बना, पलवल 2008 में बना। चरखी दादरी 2016 में बना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 2014 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे? 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। अभी 2019 में अक्टूबर में चुनाव होने हरियाणा में, ये 15वीं विधानसभा के चुनाव होंगे। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब विधानसभा की सीटें कितनी थी? 54 थी। अब कितनी है? 90+1। एक एंग्लो इंडियन है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस सन में 90 सीटें हरियाणा के अंदर हो गई थी? 1977, 1977 में, जब हरियाणा के अंदर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा। पहला 1967 में, दूसरा 1977 में और तीसरा 1991 में। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करूँ, टोटल 10 सीटें हैं जिसमें से 2 आपकी आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। भूतेश्वर मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? जींद के अंदर स्थित है। भारत में किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला? सन्नो देवी, हरियाणा 1967 में। हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस 70 से लागू हुई? 1985-86 से। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल के नेता अभय चौटाला जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? चंडीगढ़ में की गई थी। इसको भिवानी कब स्थानांतरित किया गया? 1981 में। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले? बनावली हिसार से। आधे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 51 क्वेश्चन। ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी? कर्णम मल्लेश्वरी। महान शौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ पर स्तूप बनवाया था? थानेसर के अंदर। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान MDI कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव के अंदर। ठीक है, 6वीं शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को जो है लागू हुआ था। मीर बोध के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? पेवा, या आपका कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों, मैं ये वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आने के लिए। और पिछली क्लर्क की परीक्षाओं में, ग्रुप डी की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल BN चक्रवर्ती, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? मेवात के अंदर स्थित हैं, जिसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? 2005 के अंदर हुई थी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर में है? 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन स्थित है या वनावरण है? 3.59%। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर हिसार फतेहाबाद माफ कीजिए गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर परमाणु विद्युत केंद्र हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुणाल हिसार। अशोक कालीन टोपरा अंबाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? क्वेश्चन कई बार HSSC ने अपने एग्जाम में दिया। दिव्य वदान बौद्ध ग्रंथ में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बनावली हिसार की खोज किसने की थी? देखिए, इस क्वेश्चन में 2 आंसर छिपे हुए हैं। सब ये भी आ जाता है कि भी बनावली कहाँ पर स्थित है? हिसार में। और कब इसकी खोज किसने की और कब की? 1973-74 में RS बिष्ट ने की थी। हरियाणा कितने लोग आज़ाद इन फौज में शहीद हुए थे? 346 लोग हरियाणा के अंदर शहीद हुए थे। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे?
बाबू मुरलीधर। कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल। संयुक्त रूप से अगर पूछ लिया जाए तो करनाल कुरुक्षेत्र, अगर अकेला अकेला पूछ लिया जाए तो करनाल। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? मैंने बताया 1949। और क्या प्रभाव हुआ था पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र को दो भागों में पंजाब को बांटने के लिए? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? जी 20वां स्थान है। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता पंडित नेकीराम शर्मा। यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता छोटू राम। देखिए जब छोटू राम का जिक्र आ ही गया तो इनका जन्म 1881 ईस्वी में रोहतक जिले के अंदर हुआ था, ठीक है। और ये बहुत ही इनको श्रेय जाता है हरियाणा की राजनीति का, और यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छे ये व्यक्तित्व थे। और अगला क्वेश्चन है, देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता? प्रजामंडल आंदोलन। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा सन 2010 के अंदर, और सबसे पहला भारत का राज्य जहां पर हर घर घर तक बिजली पहुंचाई गई, वो भी हरियाणा 1970 में। पहली सैनिक ITI स्थापना हरियाणा में की गई। देश में सबसे पहले देश की पहली CNG ट्रेन भी हरियाणा के अंदर चली, रेवाड़ी से दिल्ली। उद्योग नगरी के नाम से फरीदाबाद प्रसिद्ध हरियाणा के अंदर। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? करनाल के अंदर बनेगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? सिरसा के अंदर। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। और हरियाणा राज्य भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? ये भी 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? 1,559 वर्ग किलोमीटर। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत के अंदर स्थित है। राव तेज सिंह का तालाब कहाँ पर स्थित है? ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है। महिला हेल्पलाइन नंबर आप सभी जानते हैं 1091 है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। हाल ही पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा जो है हाल ही पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर स्थित है। गोरखपुर फतेहाबाद परमाणु बिजली संयंत्रण कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी? 2800 मेगावाट। 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ वहाँ पर स्थित है। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? चंद्रावती। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनबीर सिंह भड़ाना। हरियाणा के लोकायुक्त जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल। हरियाणा के दक्षिण हिस्से या दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? जी ये अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में अमोनिया प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये पानीपत के अंदर स्थित है अमोनिया प्लांट हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने पर कितनी राशि जो है प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? 1,01,000 रुपये। राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? कुरुक्षेत्र के अंदर ये खोला जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97, वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा। ये चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी, 100 रुपये से इसकी शुरुआत हुई थी, जो आज 2000 से ऊपर जा चुकी है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती? 41,000 रुपये। हरियाणा में कर्मचारी के वेतन विसंगति को दूर करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष का नाम? जी माधवन। अगला क्वेश्चन है, अंबाला में सैनिक छावनी अंग्रेजों ने कब बनाई? 1843 ईस्वी में इसको स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था। आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। काफ़ी कम समय में ये 100 क्वेश्चन मैंने कवर किए। इसी प्रकार की रेगुलर GK की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।